ये देखो यहाँ पर अभी बन रहा है हॉस्पिटल ले जाने के लिए खाना, यहाँ पर बन रही है रोटी। सो जिसका आप सभी को वेट था, तो वो यहाँ पर लेटा हुआ है, हमारा न्यू फैमिली मेंबर। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो इस टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल अभी बस थोड़ा सा 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। वहाँ पर क्योंकि मम्मी और फूफा भी रुके हुए हैं, तो उनके लिए अभी लेके जाना है खाना यहाँ से, घर से बनवा के। तो अभी खाना बन रहा है और उसके बाद मैं लेके जाता हूँ उनके लिए खाना हॉस्पिटल में, और उसके बाद वहीं पे अभी हाँ जो होना था सब कुछ हो चुका है वहाँ पे। तो अभी वहीं पर चलते हैं सीधा, पहले मैं ले लेता हूँ खाना, घर से पैक करवा लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं हॉस्पिटल में। फिलहाल यहाँ पर मम्मी बना रही हैं रोटी, अभी मैं इन रोटियों को लेकर, रोटी वगैरह और सब्जी सब कुछ लेकर मैं अभी जाने वाला हूँ हॉस्पिटल। इधर सब्जी भी बन चुकी है और ये देखो यहाँ पर ये दोनों अपने इधर आराम से खेलने में लगे हुए हैं, और इधर वो देखो इधर लेफ्ट इधर इधर उन्होंने क्या हाल कर दिया है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो सारे में खिलौने खिलौने बिखेर दिए हैं। तो चलो अभी मैं जाता हूँ हॉस्पिटल। बस फिलहाल बड़ी मम्मी यहाँ पर बाबू को दूध पिला रही है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूँगा क्योंकि कम्युनिटी स्ट्राइक का डर रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कर देना। और हाँ आगे कुछ रिक्वायरमेंट है जिससे मैं बताऊँगा कि मैं Later. So guys, फिलहाल मैं आपको एक बात बतानी भूल गया था कि हमने बुआ को मंडे को एडमिट किया था और आज है वेडनेसडे, तो मतलब आज बुआ को हम लेकर आने वाले हैं। तो आज बुआ की वहाँ से होने वाली है छुट्टी, तो देखते हैं अभी कब तक लेके आते हैं। और हाँ फिलहाल मैंने फ़ैन बंद करे हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, पर इसको इग्नोर करना। और बुआ भी अभी थोड़ी ही बहुत देर में आने वाली है, तो देखते हैं कभी आ रही है। इस घड़ी को इग्नोर कर दो, ये घड़ी ख़राब है, इसमें तो अभी 5:30-7:30 बज रहे हैं, इसको तो इग्नोर कर दो, ये तो ख़राब है। तो फिलहाल बस देखते हैं अभी बुआ आती कब तक है। फिलहाल मेरे पास फूफा का फ़ोन आया है कि हम आ चुके हैं, तो मैं अभी उन्हें ही जा रहा हूँ लेने घर तक के लिए। तो बस अभी चलते हैं उन्हें लेने। ये देखो भाई साहब वहाँ पर सामने ऑटो रुका हुआ है, शायद उसी में हैं, तो मैं अभी जाता हूँ जल्दी जल्दी उन्हीं के पास देखता हूँ। हाँ तो वो इसी ऑटो में आए हैं, फूफा फ़िलहाल बैग उतार रहे हैं और अभी धीरे धीरे बुआ को उतार के घर पर लेके जाएंगे। ये रही यहाँ पर बुआ, और उधर पीछे बैठी हुई हैं मम्मी, और मम्मी की गोद में है बाबू छोटा सा। और फिलहाल अभी बस इन्हें लेकर जाता हूँ मैं घर पर। अभी हम यहाँ पर घर पर तो आ चुके हैं और फिलहाल बस यहाँ पर पानी डाल के कोने पे फिर अंदर लेके जाते हैं। तो अभी यहाँ पर छोटे वाला भाई डाल रहा है पानी, तो फिलहाल एक मिनट, अभी यहाँ पर पानी डाल दिया है इसने, और फिलहाल ये यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं कुछ करके, तो फूफा भी इसे वही दे रहे हैं और फिर हम लेके जाएंगे अंदर। तो ये रहा बुआ का, तो चलो अभी लेके चलते हैं अंदर। तो घर पर आते ही अभी भाई ने ले लिया है इसे गोद में छोटे से को, और फिलहाल बस अभी सब इसको ही देख रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, बस अभी इसे ही देख रहे हैं। और ऊपर एसी बंद करा हुआ है हमने इसकी वजह से, मतलब एसी ऑन कर देंगे अभी इसकी वजह से ताकि बुआ को और इसे ज़्यादा गर्मी ना लगे। अभी हम सारे भाई यहाँ पर ले रहे हैं अपने अपने लिए कुल्फ़ी, और ये रहे मेरे पास पैसे, तो फटाफट लेता हूँ मैं कुल्फ़ी और फिर चलते हैं अंदर। तो चलो अभी मैं यहीं पर वीडियो भी बना रहा हूँ खड़ा होकर, और अभी दे दिए हैं मैंने पैसे, तो अभी फ़िलहाल हम अपनी कुल्फ़ी को एंजॉय करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हमने पंखे और एसी सब कुछ बंद है यहाँ पर, और अभी फ़िलहाल नहलाया जा रहा है, ये देखो नहला दिया है, बस इसे तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। और एसी पंखे बंद करे हुए हैं क्योंकि अभी काफ़ी छोटा सा है ये, तो इसे ठंड ना लग जाए, तो इसलिए हमने एसी पंखे बंद कर दिए। और फिलहाल तो हम इसे अभी बाबू बाबू कर रहे हैं, अभी कुछ भी नाम नहीं रखा है इसका।
भाई फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ फूफा के साथ मार्केट, मार्केट से हमें कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, तो मैं तो चलो अभी जाता हूँ मैं मार्केट। यहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी को रोका हुआ है और फूफा ले रहे हैं अभी सामान, और यहीं पर है एक मोबाइल की दुकान भी, ये देख लो यहाँ पे। पर हाँ अभी हम मोबाइल ले नहीं रहे, बस वो उसके सामने ही यहाँ पर देखो एक केमिस्ट है, तो हमने यहीं पर अभी सामान ले रहे हैं कुछ दवाई वगैरह, तो बस वही ले रहे हैं। और गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है, तो फूफा अंदर गए हुए हैं दवाई लेने, फिर दवाई लेके हम निकलते हैं घर पे। अभी इस पलंग को करा जा रहा है यहाँ पे खाली, क्योंकि ये पलंग जाएगा उस कमरे में बुआ के लिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी एक है, तो बुआ को उस फोल्डिंग पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो हम इस पलंग को खाली करके उधर ही कर रहे हैं। और देखते हैं अभी थोड़ी जल्दी जल्दी खाली करते हैं और इसको फटाफट उधर रखते हैं। अभी पूरे 15-20 मिनट बाद पलंग पूरा खाली हो चुका है और इसको उधर ले जाया जा रहा है। हाथ लगेंगे हमारे। बस अभी इसको उधर ले जा रहे हैं, ये रखा हुआ हमारा पलंग यहाँ पे, और उधर पीछे ही बाबू भी सोया हुआ है, ये सो रहा है यहाँ पर, ये मैंने पता नहीं इसके आगे हाथ अड़ा दिया, छोड़ो उसको इग्नोर कर देना। बस अभी हम ले जाकर डाल देते हैं अपना पलंग उस कमरे में। अभी यहाँ पर पलंग को सेट करा जा रहा है, इसके अंदर सारा सामान डाल रहे हैं, धीरे धीरे पूरा सेट करके डाल रहे हैं, और इधर भी थोड़ा सा सामान बाकी है, तो इसको भी उधर ले जाके हमें पलंग में सेट करना है, तो अभी इसको भी उधर ले जाना है। तो गाइस फिलहाल यहाँ पर हमने पलंग को सेट कर दिया है और इधर बुआ भी लेट चुकी हैं बाबू को लेकर,